तो क्या दोस्तों, आप भी अपने पुराने डिब्बा टीवी को स्मार्ट बनाना चाहते हो, पुराने टीवी में यूट्यूब वगैरह वीडियो वगैरह देखना चाहते हो, तो किस तरह से दोस्तों हम पुराने टीवी को भी स्मार्ट बना सकते हो, जानेंगे आज के इस वीडियो में। सब्सक्राइब करें JKDish Info यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए DTH के रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो हाय गाइज, वेलकम टू JKDish Info यूट्यूब चैनल। दोस्तों मेरा नाम है जयेश कुमार और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप इस तरह के कोई पुराने CRT टीवी यानी कि डिब्बा टीवी को यूज़ करते हो और यहाँ पर आप यूट्यूब मूवीज़ और ऑनलाइन OTT प्लेटफॉर्म जो भी है वो चलाना चाहते हो, यानी कि अपने एक ओल्ड टीवी को स्मार्ट टीवी बनाना चाहते हो, तो कैसे बना सकते हो, जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर स्मार्ट टीवी बनाने के लिए आपको चाहिए होगा कोई भी एक एंड्रॉयड सेट बॉक्स। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में जो अपना डिश टीवी का स्मार्ट हब वाला एक एंड्रॉयड सेट बॉक्स दिखाया था, इसी का हम यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने जैसे आपको बताया था कि हमें एक AV आउट का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ पर AV आउट का यूज़ करके ही हम यहाँ पर इस पुराने टीवी के अंदर इस सेट बॉक्स को चलाने वाले हैं। तो इसे चलाने के लिए दोस्तों आप मार्केट में से 3RC x 3.5 जैक वाला ये केबल जो है वो आपको परचेस करना होगा। तो दोस्तों इस सेट बॉक्स को ऑन कर लेते हैं, कनेक्शन वगैरह कर लेते हैं। तो दोस्तों इसका कनेक्शन करना बहुत ही सिंपल है, जहाँ पर भी आपके ऑडियो वीडियो के इस तरह के पिन लगे हैं वहाँ से सबसे पहले तो ये पिन को हमें निकाल लेना है। और दोस्तों यहाँ पर जैसे यहाँ पर कलर कोड में येलो वाइट और जो रेड है उसी तरह से हमें यहाँ पर भी इसे लगा देना है। तो चलिए यहाँ पर मैं फटाफट से इसका कनेक्शन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये कनेक्शन हो गया, ठीक है। और आगे दोस्तों यहाँ पर हमें ये 3.5 mm जैक वाला पिन मिल जाएगा। तो अब हम इसको इस सेट टॉप बॉक्स के अंदर कनेक्ट करेंगे। तो जैसे दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो हमने यहाँ पर इसको कनेक्ट कर दिया और डायरेक्ट दोस्तों हमारे टीवी के अंदर ये बॉक्स शो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी, बड़े आराम से दोस्तों आप इस सेट टॉप बॉक्स को भी कोई भी पुराने टीवी हो, नॉर्मल टीवी हो, LED टीवी हो, प्लाज्मा टीवी हो, कोई भी टीवी के अंदर आप इस सेट टॉप बॉक्स का यूज़ कर पाएंगे। ज़्यादातर फ्रेंड दोस्तों हमें बोलते हैं कि हमारे पास पुरानी टीवी है तो इसके अंदर हमें ये कनेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो ये बहुत सारे मुझे सवाल आते हैं। तो गाइज यहाँ पर वीडियो के अंदर ये टीवी के अंदर से जो लाइट आ रही है इसी वजह से यहाँ पर आपको शायद सही से नज़र नहीं आ रहा होगा, बट टेंशन ना ले, आप टीवी के अंदर बहुत ही परफेक्ट दोस्तों पिक्चर जो क्वालिटी है वो ज़बरदस्त यहाँ पर आती है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों काफ़ी सारे एप्लीकेशन, जैसे कि आप यहाँ पर अगर देख रहे हो तो प्राइम वीडियो है, यहाँ पर VLC है, IPTV है, YouTube है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक बार वाईफाई का कनेक्शन देख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर मैं आपको एप्लीकेशन भी चला के दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सेटिंग वगैरह भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम एंड्रॉयड सेटिंग में जाएंगे, तो यहाँ पर दोस्तों कुछ इस तरह से सेटिंग मिल जाएगा आपको। तो नेटवर्क में आप जाएंगे जैसे, तो यहाँ पर वाईफाई जो भी अवेलेबल होंगे वो आप यहाँ पर नज़र आएंगे। तो यहाँ पर मेरा वाईफाई जो है वो कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर से हम कोई भी एप्लीकेशन ओपन करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों हमारा ये टीवी बड़े आराम से ये स्मार्ट टीवी बन चुका है। इसके लिए सिर्फ आपको ज़रूरत होगी एक एंड्रॉयड सेट टॉप बॉक्स की, जो भी मार्केट में 1500 के आसपास मिल जाता है। लेकिन अगर आपको ये डिश टीवी का स्मार्ट हब वाला ये सेट टॉप बॉक्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। चलिए यहाँ पर हम यूट्यूब की अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो लाइव आपके सामने यूट्यूब ओपन हो रहा है, ठीक है। तो काफ़ी दोस्तों ज़बरदस्त तरीके से वर्क कर रहा है और स्पेशली दोस्तों यहाँ पर मार्केट में जो 1500 में जो सेट टॉप बॉक्स मिलते हैं उसकी परफॉर्मेंस इतनी नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल जाती है। बाकी अगर आपको वो भी ख़रीदना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं वो भी लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूँगा, वहाँ से आप परचेस कर पाएंगे, ठीक है। ये देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर यूट्यूब ज़बरदस्त तरीके से वर्क कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप कोई भी और एप्लीकेशन इंस्टॉल करना चाहें तो वो भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पर काफ़ी सारे अभी एंड्रॉयड एप्लीकेशन अवेलेबल, जहाँ पर हमें काफ़ी सारे टीवी चैनल जो है वो देखने को मिल जाते हैं। जैसे रीजनल जो चैनल होते हैं, बिल्कुल गवर्नमेंट चैनल दोस्तों होते हैं, फ्री में मिल जाते हैं, न्यूज़ के वगैरह जो अन्य चैनल हैं वो यहाँ पर बिल्कुल आप एकदम लीगल तरीके से देख पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ एप्लीकेशन दिखा रहा हूँ आपको, और ज़्यादा जानकारी दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पर पूरे जो एप्लीकेशन है वो सब की मैं आपको डिटेल
दे दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो न्यूज़ चैनल भी दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल आराम से चल रहे हैं। तो यहाँ पर कोई भी आपको डिश कनेक्शन करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर बिना डिश के सब कुछ आप देख पाएंगे। एक पूरा आपका एक एंड्रॉयड इंटरफेस दोस्तों आपको यहाँ पर मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर आपका जो एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर जो भी आप इंस्टॉल कर पाएंगे वो सब कुछ यहाँ पर आप कर पाएंगे। ठीक है, ब्राउज़र भी आप इंस्टॉल कर पाएंगे, VLC प्लेयर इंस्टॉल कर पाएंगे अगर मूवी वगैरह देखना है तो, और IP M3U लिंक अगर आप जानते हो तो उससे भी आप बहुत सारे चैनल को भी आप देख पाते हैं। ठीक है, तो पूरा यहाँ पर हमारा टीवी जो है वो एक स्मार्ट टीवी जैसे काम कर रहा है। तो आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। बाकी इस तरह के नए नए इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो JKDish Info चैनल पर बने रहे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नए किसी और नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।